है संघ के आधार पर मैंने इसको पढ़ के देखा, अच्छे से देखा, कहा कहीं भी किसी विचारधारा से प्रभावित तो नहीं है, बल्कि मुझे यह एक उन्नत सी नीति लगी और मैं इसकी तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। तो इस चर्चा को आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तमाम जो शिक्षाविद थे उनसे बातचीत हुई, समझने की कोशिश हुई कि नई शिक्षा नीति है उसको कैसे समझे, क्या ये शिक्षा नीति परिवर्तन देश के भीतर में लाने वाली नीति साबित होगी, और सवाल अब भी कायम है कि आखिर नई शिक्षा नीति में जो बदलाव लाए जा रहे हैं उसको लेकर के विरोध क्यों हो रहा है, ये विरोध कितना जायज है, इस पर विचार और विमर्श होते रहेंगे। लेकिन एक सवाल हमेशा कायम रहने वाली है, वो ये कि शिक्षा नीति जो भी आए क्या वो रोजगार की नीति साबित होगी या नहीं, ये एक बहस का विषय हमेशा बना रहेगा। शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दर्शकों को विश्लेषणात्मक ढंग से समझाने के लिए। तो सुराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।